ये जो क्वेश्चन है गेट मैथमेटिक्स 2002 में पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन नंबर है वो 1.3 है। इसमें आपसे पूछा गया है आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर नेगेटिव रियल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू 1 या प्योरली इमेजिनरी और 0। यानी कि किसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यूज किस टाइप की होंगी, ये आपसे पूछा गया है। अब जिन स्टूडेंट्स को ये पता है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम इसकी हर्मिशियन भी कह सकते हैं, इसकी हर्मिशियन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके हर्मिशियन में क्या होगा कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और यहां पर सिर्फ ओनली ट्रांसपोज है, कॉन्जुगेट नहीं है। और सिमेट्रिक होने के लिए, इसके सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ती है, तो ये आप कह सकते हैं इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर इसके एंट्रीज रियल है, तो वहां से आपको डायरेक्ट पता चल जाता है, क्योंकि इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो क्या तो जीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी, और आप डायरेक्ट फाइनल आंसर डी को पुट कर दोगे। लेकिन आपको यहां से सी पार्ट के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि क्या उसके एब्सोल्यूट वैल्यूज 1 हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा डाउट रहेगा अगर आप इस तरह से डायरेक्ट इसको टिक करते हैं कि सी ऑप्शंस करेक्ट होगा या नहीं। तो पूरी क्लैरिटी के लिए आपको इसका सॉल्यूशन या एक शॉर्ट प्रूफ जो भी कह सकते हैं आप, वो आपको करके देखना चाहिए, वहां से पूरी क्लैरिटी आएगी आपको। तो हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए है कोई जो स्क्यू सिमेट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब पहली बार मैंने यहाँ पर ए को इसके एंट्रीज रियल है या कॉम्प्लेक्स ये नहीं माना है, मैं जनरल प्रूफ कर रहा हूँ। अगर ए को इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए होगा, और मान लेते हैं लैम्डा बी एनी आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू तो इसके करस्पॉन्डिंग एक हमें आइगन वैक्टर x होगा जो कि नॉन जीरो होगा, इट मीन्स दैट इज ए एक्स इक्वल टू लैम्डा x। अब मैं दोनों साइड इसके ट्रांसपोज ले लूंगा, तो x ट्रांसपोज a ट्रांसपोज इक्वल टू लैम्डा के, लैम्डा पर ट्रांसपोज को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, x ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एक्स ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल टू लैम्डा एक्स ट्रांसपोज। अब ये जो नेगेटिव है ये आउटसाइड आ जाएगा, तो माइनस एक्स ट्रांसपोज ए इक्वल टू लैम्डा एक्स ट्रांसपोज ए। अब मैं एक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्योंकि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स मुझे मिल जाएगा, तो यहां पर मैंने एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स ट्रांसपोज एक्स, क्योंकि लैम्डा एक वेट है, वेट मीन्स कांस्टेंट कह सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और वो रियल भी हो सकता है, तो ये आउटसाइड आ जाएगा माइनस लैम्डा एक्स ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स ट्रांसपोज एक्स। मैं दोनों साइड ले आता हूं, एक साइड ले आता हूं, तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्डा एक्स ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन्स टू टाइम्स लैम्डा एक्स ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स नॉन जीरो है, पहले ही मैंने बोला कि एक्स नॉन जीरो है, तो एक्स ट्रांसपोज भी आपका नॉन जीरो होगा और इनका दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 लैम्डा इक्वल टू जीरो और लैम्डा इक्वल टू जीरो,
अब जो स्टूडेंट है वो ब्लंडर मिस्टेक क्या करते हैं कि लैम्डा इक्वल टू जीरो बस फाइनल आंसर, यहां से ये जनरलाइज वो नहीं करते इफ इफ, क्योंकि अगर जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, अगर एंट्रीज रियल भी हैं तो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। अगर लैम्डा जो है वो रियल आइगन वैल्यू है देन लैम्डा इक्वल टू जीरो, यहां से आप जनरलाइज कर सकते हैं। इफ लैम्डा बिलोंग्स कॉम्प्लेक्स देन लैम्डा इक्वल टू बी आई, यानी कि प्योर इमेजिनरी, यहां से आप लिख सकते हैं प्योरली इमेजिनरी। तो अगर लैम्डा आपका कॉम्प्लेक्स होगा तो लैम्डा बी आई टाइप का होगा, यानी कि वो प्योरली इमेजिनरी होगा, उसमें ए प्लस बी टाइप यानी कि शुरुआत में जो रियल पार्ट होता है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट एकदम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैम्डा या तो जीरो होगा या बी आई टाइप का होगा। अब जो हमें ऑप्शंस गिवन थे यहाँ पर, अब हम कह सकते हैं कि निगेटिव जरूरी नहीं है। देन यहाँ पर कहा ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर निगेटिव, तो जरूरी नहीं वो जीरो होगा, और जीरो को निगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं कह सकते। तो पहला ऑप्शन आपका डिस्कार्ड, रियल रियल होगी लेकिन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हो, वो भी प्योर कॉम्प्लेक्स, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। आपने देखा था कि उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ओनली ट्रू डी, हमें वहां पता था ये क्या तो प्योरली इमेजिनरी होगी या जीरो होगी।